जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों अगर आप इंडेन, एचपी या भारत गैस की एलपीजी सिलेंडर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब भी ये तीनों कंपनी अपना एलपीजी गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ओपन करती है तो वह अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन वह अपनी ऑफिशियल वेबसाइट एलपीजी वितरक चैन पर अपलोड करती है और साथ ही उस इलाके के लीडिंग न्यूज़पेपर में भी इसका विज्ञापन देती है। तो दोस्तों इन तीनों कंपनियों ने जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे इसमें कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, कितना पैसा निवेश करना होगा, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की और क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होगी, यह सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको आसानी समझ में आ सके इसके लिए हमने अपने इस वीडियो को 6 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर किया है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप, यानी कितने प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। थर्ड पॉइंट क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। फोर्थ पॉइंट कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और फिफ्थ पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि कितना इनकम और कितना कमीशन आपको मिलने जा रहा है। और लास्ट में 6 पॉइंट में हम कवर करेंगे कि आप किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वह नोटिफिकेशन दिखाएं और किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है वह बताएं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों इस बिजनेस के लिए 4 अलग अलग तरीके की डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला शहरी वितरक, दूसरा रूअर्बन वितरक, तीसरा ग्रामीण वितरक और चौथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक। जैसा कि आप इनके नामों से ही समझ पा रहे होंगे, शहरी वितरक वह वितरक होते हैं जो एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई शहर में करते हैं। दूसरा रूअर्बन वितरक वह वितरक होते हैं जो सिलेंडर की सप्लाई शहरों के साथ साथ कुछ ग्रामीण इलाकों में भी कर सकते हैं जिनका दायरा लगभग 15 किलोमीटर के अंदर होता है। तीसरा ग्रामीण वितरक, इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गैस की सप्लाई करते हैं। और चौथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक, इस टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हें एलपीजी सिलेंडर वहां सप्लाई करना होता है जहां पर आसानी से सिलेंडर नहीं पहुंच सकते, मतलब उस तरीके के इलाके जहां पर आसानी से एलपीजी की सप्लाई संभव नहीं है, जैसा कि पहाड़ी क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया और कम जनसंख्या वाला पिछड़ा इलाका। दोस्तों अब बात करते हैं इन चारों डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों चारों डिस्ट्रीब्यूटरशिप की रिक्वायरमेंट आपको आसानी समझ में आ सके इसके लिए हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला है शहरी वितरक, दूसरा है रूअर्बन वितरक, तीसरा है ग्रामीण वितरक, चौथा है दुर्गम क्षेत्रीय वितरक। इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस वो दोनों अलग अलग है और साथ में एरिया की रिक्वायरमेंट भी वो डिपेंड करती है किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो पहला शहरी वितरक, इसमें अगर जनरल कैटेगरी से कोई फॉल बिलोंग करता है तो उसे 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। ओबीसी कैटेगरी वाले अप्लाई करते हैं तो 4 लाख रुपए और एससी एसटी कैटेगरी वाले जो है 3 लाख रुपए पे करना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब बात करते हैं नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले को 10,000 रुपए, ओबीसी कैटेगरी वाले को 5,000 रुपए और एससी एसटी को जो है 3,000 रुपए करने पड़ते हैं एप्लीकेशन फीस के। अब एरिया की अगर हम बात करें तो 8,000 किलो कैपेसिटी वाले गोडाउन के लिए 25 मीटर बाय 30 मीटर का जो है एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं रूअर्बन वितरक के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, 4 लाख रुपए लगता है ओबीसी कैटेगरी के लिए और 3 लाख रुपए लगते हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब बात करते हैं नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस की। दोस्तों तो रूअर्बन वितरक के लिए जनरल कैटेगरी में अगर कोई है तो उसे 10,000 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होती है, ओबीसी कैटेगरी वाले को 5,000 रुपए और 3,000 रुपए की जरूरत पड़ती है एससी एसटी कैटेगरी को। तो गोडाउन एरिया की भी सेम रिक्वायरमेंट है, 8,000 किलो कैपेसिटी के लिए 25 मीटर बाय 30 मीटर की जगह की जरूरत होती है। अब बात करते हैं ग्रामीण वितरक के लिए। दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 लाख रुपए लगता है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 3 लाख रुपए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अब नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस जो है वो ग्रामीण वितरक के लिए जनरल कैटेगरी में 8,000 रुपए लगता है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 4,000 रुपए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 2,500 रुपए पे करना पड़ता है। अब एरिया की अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की तो 5,000 किलो कैपेसिटी के लिए 21 मीटर बाई 26 मीटर की जगह की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं दुर्गम क्षेत्रीय वितरक, यहां पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए 4 लाख रुपए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए है एससी एसटी कैटेगरी के लिए। अब नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें
तो जनरल कैटेगरी वाले को 8,000 रुपए करने पड़ते हैं, ओबीसी कैटेगरी से 4,000 रुपए और एससी एसटी कैटेगरी वाले को 2,500 रुपए पे करना पड़ता है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस। अब एरिया की अगर हम बात करें तो सेम रिक्वायरमेंट है, 3,000 किलो कैपेसिटी के लिए 15 मीटर बाय 16 मीटर के गोडाउन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये थी सारी रिक्वायरमेंट इन चारों डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, दोस्तों एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन सिटीजन होना मस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th क्लास पास होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। एज की अगर हम बात करें तो 21 साल से 60 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, उसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या आपका पासबुक ये चल सकता है। फाइनेंशियल प्रूफ आपको सबमिट करना होगा, अपना पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल एटसेट्रा। आपका जो प्रीमाइस होगा उसके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। अगर आपका खुद का प्रीमाइस है तो उसकी रजिस्ट्री या फिर लीज एग्रीमेंट, कन्वेंस डीड, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन फोन नंबर, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने होंगे। साथ ही अगर आपके पास मान लीजिए कोई रेंटेड प्रीमाइस है तो आपको रेंटल एग्रीमेंट जमा कराना होगा। साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में एक अप्रूव्ड लाइसेंस होना चाहिए चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके साथ ही एप्लीकेंट जो है उसका कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए इनमें से किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का। और साथ ही आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर भी चाहिए होगा। तो दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, दोस्तों अब बात करते हैं कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी आपको इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट जो है इसमें सबसे ज्यादा लगती है जमीन के ऊपर, यानी आपकी जो लोकेशन है जहां पर आप ये बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट वो डिपेंड करेगी आपकी जमीन पर, आपकी लोकेशन पर और किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लेना चाहते हैं, कितना बड़ा एरिया आपको जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आपको गोडाउन और ऑफिस सेटअप के लिए। उसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी इंटीरियर सेटअप के लिए जिसमें वुडन वर्क हो गया, ऑफिस का सेटअप हो गया, कुछ पेंट वर्क हो गया, ग्लास वर्क हो गया, कुछ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स वगैरह, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, साथ में एसी, सीसीटीवी, इन्वर्टर, कम्युनिकेशन एंड हार्डवेयर इक्विपमेंट्स और साथ ही फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी आपको लगाने होंगे। उसके बाद में अगर हम मैन पावर की बात करें तो 3 से 4 आपको ड्राइवर और डिलीवरी बॉय चाहिए होंगे जो कि आपके माल को सप्लाई करेंगे। साथ ही आपको ऑफिस के लिए एक मैनेजर चाहिए होगा, एक अकाउंटेंट चाहिए होगा और एक हेल्पर चाहिए होगा। व्हीकल्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी, इसमें 3 से 4 आपको डिलीवरी के लिए टेम्पो या फिर ऑटो आपको लेने पड़ेंगे अपने खुद के या फिर आपको रेंट पे। अब बात करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट की, अगर इस पैकेज की हम बात करें तो ये लगभग 25 से 30 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लग जाएगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, दोस्तों अब बात करते हैं कि कितनी इनकम आपको होने जा रही है, यानी आपको कितना कमीशन मिलता है पर सेल्स पर। तो जैसा कि आप ये लेटर देख पा रहे हैं 10th जुलाई 2019 का है, पहले रेट कुछ और थे उसके बाद ये रेट रिवाइज हुए हैं। तो जैसा कि आप पहले देख पा रहे हैं यहां साफ साफ मेंशन है कि 14.2 केजी के सिलेंडर पे पहले कमीशन मिलता था ₹50.58 और 5 केजी के सिलेंडर पे कमीशन मिलता था ₹25.29 जो कि रिवाइज कर दिया गया है। अब जो कमीशन मिलता है दोस्तों वो ये कि 14.2 केजी का सिलेंडर पे आपको मिलते हैं ₹61.84 और 5 केजी के सिलेंडर पे कमीशन मिलता है ₹30.92। इसका कुछ बाइफरकेशन भी दे रखा है, जैसे अगर 14.2 केजी के सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में 34.24 आपको मिलता है एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस आपको मिलते हैं ₹27.60। उसी तरीके से 5 केजी का सिलेंडर जो जिस पे कमीशन मिलता है ₹30.92, उसमें एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस जो मिलते हैं वो आपको ₹17.12 और डिलीवरी चार्जेस आपको मिलते हैं ₹13.80। तो ये बाइफरकेशन है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग एलपीजी वितरक चयन की ऑफिशियल वेबसाइट पर और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले हम टाइप करेंगे एलपीजी वितरक चयन और सबसे ऊपर ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है lpgvitrakchayan.in। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहां से जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये सबसे जो व्हाट्स न्यू वाला जो कॉलम है इसी के अंदर आपको ये नजर आ जाएगा कि नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप JNK, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के लिए और आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लिए, जैसा हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यहां पे जो है रजिस्टर करना होगा अपने आप को। हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। रजिस्टर करने के बाद में आपको साइन अप करना होगा, इसकी वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, लॉगिन जब आप कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा, साइन अप कीजिएगा, ये देख पा रहे हैं हमारे चैनल का नाम स्मार्ट सेलिंग टिप्स, तो हमने इसी के नाम से ही जो है इसमें साइन अप किया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहां पे आप देख पा रहेंगे यहां पे जो है इसका एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पर देखिए ये
पूरे J&K में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के लिए ओपनिंग्स हैं, जैसे श्रीनगर, बारामूला, रजौरी, कुपवाड़ा, रजौरी, डोडा, अनंतनाग और जो है रामबन के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और IOCL, इन सब ने अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप निकाल रखी है। तो यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं और बाद में जब आप अप्लाई करते हैं तो हम जैसे आपको दिखाते हैं, तो आपको यहाँ पे आना होगा नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप J&K, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ओपन हो जाएंगे और जहां पर भी आपको अप्लाई करना है आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली उस डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन पे जो है आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं कि आपको सबसे पहले डालना होगा पहले कॉलम में नेम ऑफ न्यूज़पेपर, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी ये इसके डिस्ट्रीब्यूट नोटिफिकेशन आती है तो वहाँ के जो लीडिंग न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पे भी विज्ञापन दिया जाता है, तो आपको न्यूज़पेपर डालना होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अमर उजाला, स्टेट टाइम्स आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी, यानी जो हमने कैटेगरीज आपको बताई हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, SC ST हैं या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको वो डालना होगा। उसके साथ ही आपको आपके फादर्स का नेम, मतलब पूरा नाम डालना होगा, फादर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद में क्या आप जिस पंचायत से हैं आप वहीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज नो। उसके साथ में इंफॉर्मेशन है आपके वेदर द सब डिवीजन वेयर यू डिसाइडिंग इज लोकेटेड इन द सेम सब डिवीजन ऑफ द एडवर्टीजमेंट लोकेशन, जहां पर एडवर्टीजमेंट दी गई उसी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, यस नो डालिएगा। आधार नंबर आपको डालना होगा, पैन नंबर आपको डालना होगा, आप इंडियन सिटीजन है वो आपको यस करना ही होगा। उसके साथ में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करनी होगी अपनी। उसके साथ आपका जो है मैरिटल स्टेटस क्या है वो मेंशन करना होगा। उसके साथ में आपको, अब आप ये देखिए यहाँ पे जो है लैंड की जो डिटेल्स है वो आपको सबमिट करनी होगी। उसके साथ ही आपको और कुछ एप्लीकेशन की आपकी जो फोटो है वो डालनी होगी आपको, आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे सारी चेकलिस्ट आप चेक करके और फिर यहाँ पे जो है आप अपना प्लेस डाल के आप सबमिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। दोस्तों ये फॉर्म फिल करने के बाद में आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में जब आप चेकआउट कीजिएगा दोबारा से इसी वेबसाइट पर उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किसको इसके लिए एलिजिबल कौन हो गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहला ऊपर एप्लीकेंट सिलेक्टेड इन ड्रॉ फॉर सिलेक्शन ऑफ LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर वेरियस एडवर्टीजमेंट, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग एडवर्टीजमेंट हैं, तो जहाँ पे भी इन्होंने जो जब रिजल्ट निकाल देते हैं तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, आप क्लिक करके गेट रिजल्ट्स, तो यहीं से पता चल जाएगा आपको किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन कौन सा जो है बंदा एलिजिबल हो गया है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।